मेरा नाम अनिल कुमार है, मैं भिवानी से हूँ। मेरा बेटा बड़ा टिन्नू मेरे कई सुने से बाहर है, हमने 7 साल से बेदखल कर रखा है। जब भी वो कोई कांड करता है, किसी तरह का रोड़ा करता है, कांड करता है, तो हमें बच्चों सहित, मेरा छोटा, दो बेटे हैं, पोते हैं, उनको उठा लेते हैं, हरेसमेंट करते हैं। पहले भी हमने 23 दिन तक जेल के CI स्टाफ ने कहीं कहीं घुमाई रखा, कभी तो शाम कहीं कहीं। एक बार फिर उसने किया तो फिर हमारे को 14 दिन की अंदर रखा, लेकिन हमें तंग करते हैं। अब हमें पता चला कि वो कहीं गायब हो गया, जेल से गायब हो गया, तो हम शहर छोड़ के कहीं बाहर गए हुए हैं। पहले गए थे तो हम डर के मारे, पुलिस के डर के मारे हमने शहर छोड़ा है, क्योंकि पहले भी हमें हरासमेंट दी गई थी कई काफ़ी 23, एक बार 23 दिन दी गई, एक बार 14 दिन गई। हम सरकार से, पुलिस से आई हर बार उनकी मदद करते हैं, उस विषय पे सभी पहलुओं पर जाके उसकी मदद करते हैं। जैसे भी हमसे पूछा जाता है हम बताते हैं, लेकिन हमें पुलिस बार बार तंग करती है, हमें बुलाए, हम सहयोग करने के लिए तैयार हैं, ना कि हमें परेशान किया जाए। तो इस बारे में SP वगैरह बूथ अधिकारियों से मिले, क्या कहते हो? हम पहले मिले थे, अब मिले नहीं, अब तो हम डर के मारे। पहले भी हम SP से भी मिले थे, फिर भी हमें 23 दिन की हरासमेंट दी थी, लेकिन अब हम मिले नहीं, क्योंकि हम डर के मारे कभी हमें गिरफ्तार ना कर ले। हम पुलिस से डर के मारे, पीछे का हमने हाल देख रखा है, इसलिए हम घर से गायब हैं। तो आप कितने लोगों को आपके परिवार से उठाया गया? हमारे छोटा बेटा डॉक्टर MD करने के लिए जयपुर गया था, वो उठा लिया, भांजा उठा लिया, एक और बेटा उसका पता नहीं कहाँ है, मेरा एक साडू उठा लिया, मेरा भांजा उठा रखा है, 4-5 पता ही नहीं हमें कहाँ है कहाँ नहीं, पुलिस ने उठा रखा है ये पता है। तो क्या काम करते हैं आप, कैसे गुजारा हो पाएगा ऐसे भागने में? क्या करें, मजबूरी है, भूखे मरने पे मजबूर होंगे। अगर ऐसा ही रहा, पुलिस हमें तंग करते हैं, आत्महत्या करने पे मजबूर होंगे, क्योंकि छोटे बच्चे हैं, सभी भूखा तो देखा नहीं जाता ना। तो आपके बेटे से आपकी कभी मुलाकात हुई है, शायद इसी आशंका के चलते पुलिस पूछताछ कर रही हो? नहीं, वो तो काफ़ी साल, 4-5 साल हो गए, हुई थी 4-5 साल से नहीं हो रही है। ये तो गलत है कि भाई अगर किसी का लड़का अगर किसी गलत संगत में पड़ गए और वो उनके कहने सुनने से बाहर हो चुका है और उसके ऊपर केस भी दर्ज हो चुके हैं, तो ये तो कानून अपने हिसाब से उसको ट्रीट करे, लेकिन घर वाले को परेशान करना तो ये तो नाजायज ही है। अगर घर वाले परेशान हैं तो ये तो प्रशासन की भी गलती होगी ना भाई, घर वालों को परेशान क्यों किया जाए? आपके पास मुलजिम है, उसको, उससे पूछताछ करो। अगर आपको कोई पूछताछ करनी है तो आप सीधा आगे आप भाई बोलो कि आप आओ भाई हमारे पास, हमें आपका ही सहयोग चाहिए, हम सहयोग के लिए तैयार हैं। अब हमारे जो क्लाइंट हैं, ये तीनों का मुकदमा भी हमारे पास ही है वैसे तो, लेकिन जो इनके पिताजी हैं, इनकी माताजी हैं तीनों की, ये कम से कम ये लगा लो 2017 में जब अरेस्ट किया गया था टीनू, उस टाइम पे एक बार तो इनको 25-26 दिन के लिए भिवानी CIA स्टाफ और तोशाम यहाँ पे पता नहीं कितने मुकदमे दर्ज हैं उसके ऊपर, और उन चक्कर उसी के इसमें इनको काफ़ी बार टॉर्चर किया गया, काफ़ी बार मतलब रात को भी आते थे, दिन में भी आते थे, और इनको वहाँ से वापस ले जाके बिठाया जाता था, इनसे पूछताछ की जाती थी, हर बार इनके साथ टॉर्चर, मतलब कि ये इतना गंदा व्यवहार जो मैं बता भी नहीं सकता। अब कोई भी माँ बाप ये नहीं चाहेगा कि हाँ भाई मेरा लड़का ऐसे किसी गंदे काम में फंसे, लेकिन वो इनके कहने सुनने से बाहर है, इन्होंने बेदखल कर रखा है। भाई आपको जो जायज़ इन्वेस्टिगेशन लगे तो ये सहयोग के लिए तैयार है, अब ऐसे नाजायज अगर परेशान करोगे तो फिर बंदा क्या करेगा? तो कानूनी रूप से अगर बात करें तो कानून क्या कहता है, आप क्या कदम उठा रहे हैं इस बारे में? उस बात के लिए हमारे क्लाइंट हैं, ये बहुत पुराने क्लाइंट हैं, और अगर जहाँ तक भी हमें इनके साथ कोर्ट पर जो कानून के तहत जहाँ तक भी इनकी मदद हो सकेगी हम करेंगे, क्योंकि ये हमारा प्रोफेशन है। तो आप पुलिस से SP से इस बारे में मिले, वो क्या कहते हैं? नहीं, अभी मेरी कोई किसी से बात नहीं हुई है, आगे सोच रहे हैं कि हाँ भी SP साहब से, DC साहब से इनसे बात करें। क्या नाम आपका? एडवोकेट भूपेंद्र। ये सरासर आरोप गलत है, बिल्कुल भी हराश नहीं करते। वो अभी रिसेंटली वो पंजाब कस्टडी से भाग गया था, तो उस संबंध में ज़रूर पूछताछ करने के लिए आए होंगे, तो ये नहीं है भी उनको हराश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सर 2-4 साल पहले भी उनको 1 महीने के करीब हिरासत में रखा था, अब भी वो गांव घर से अपने फरार हैं, बार बार पुलिस चक्कर काट रहे हैं उनके घर के।
ये बिल्कुल सरासर आरोप गलत, बेबुनियादी और आधारहीन आरोप हैं। इस किस्म की कोई बात नहीं है। पुलिस, भिवानी पुलिस और बल्कि विशेषकर हरियाणा पुलिस सभी सुप्रीम कोर्ट के गिरफ्तारी के संबंध में जारी किए गए आदेशों का पालना जो है सुनिश्चित करती है, और सुप्रीम कोर्ट द्वारा गिरफ्तारी के संबंध में जारी किए गए जो भी निर्देश हैं उनकी सभी पालना करते हैं। किसी को भी अननेसेसरी ना तो हरास किया जाता है, ना ही किसी को अवैध हिरासत में रखा जाता है। तो ये किसी भी अगर मुकदमे में कोई आरोपी भाग गया होगा तो उसकी पूछताछ तो की जाएगी, उसकी पूछताछ के लिए भी कहाँ है, क्या है, कोई लिंक है तो उसके संबंध में बुलाया जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। अभी उनका जो आरोप है बिल्कुल ही आधारहीन और निराधार है।